लेसन नंबर सेवन बर्थ फ्रॉम द बुक स्नैप शॉर्ट्स क्लास इलेवेंथ सी बी एस ई बोर्ड इन दिस एक्सेप्ट फ्रॉम द सिटाडेल सिटाडेल नाम की बुक से ये जो अंश लिया गया है ये जो भाग लिया गया है इसमें एंड्रयू मैंशन एंड्रयू मैंशन नाम का व्यक्ति है न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल अभी अभी मेडिकल स्कूल से निकला हैज़ जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस उसने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है एज एन असिस्टेंट एक असिस्टेंट के तौर पर किसका असिस्टेंट है वो टू डॉक्टर एडवर्ड पेज डॉक्टर एडवर्ड पेज का इन द स्मॉल वेल्थ माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली ब्लेनली का जो छोटा सा टाउन है माइनिंग टाउन वेल्स वहाँ पर उसने प्रैक्टिस शुरू की है एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसपॉइंटिंग इवनिंग चूंकि वो एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग से लौट रहा है अब इवनिंग को डिसअपॉइंटिंग क्यों कहा जा रहा है विथ क्रिस्टाइन क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है क्रिस्टाइन उससे उसका झगड़ा हुआ है लड़ाई हुई है द गर्ल वो लड़की ही लव्स जिसे वो प्यार करता है ही इज़ मैथ बाय जो मॉर्गन और तभी उसकी मुलाकात होती है जो मॉर्गन से जो एंड हिज वाइफ जो और उसकी पत्नी जो है हु हैव बीन मैरीड नियरली ट्वेंटी ईयर्स जिनकी शादी को लगभग बीस साल हो गए हैं आर एक्सपेक्टिंग देअर फर्स्ट चाइल्ड वो अपने पहले बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके यहाँ पहला बच्चा होने वाला है इसलिए वो डॉक्टर के पास आया हुआ है लेट्स गेट स्टार्टड द चैप्टर दो इट वॉज नीअरली मिड नाइट हालाँकि लगभग आधी रात हो चुकी थी वैन एंड ब्रिन गोअर जब एंड्रयू ब्रिंगोर पहुंचा, ही फाउंड जो मॉर्गन उसने जो मॉर्गन को पाया वेटिंग फॉर हिम उसका इंतजार करते हुए वॉकिंग अप एंड डाउन वो जो जो मॉर्गन था वो अप डाउन वॉक कर रहा था विद शॉर्ट स्टेप्स छोटे छोटे स्टेप में बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस वो जो बंद हॉस्पिटल था और वो जो डॉक्टर का घर का एंट्रेंस था उसके बीच में वो वॉक कर रहा था एट द साइट ऑफ हिम उसको देखकर डॉक्टर को देखकर द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ वो जो बेचारा ड्रिलर था मजदूर था उसकी सांस में सांस आई हे डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू अरे डॉक्टर आपको देखकर मुझे खुशी हुई आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर मैं यहाँ पर आगे पीछे घूम रहा हूँ पिछले एक घंटे से तो मिसेस वॉन्ट से मेरी मिसिस को आपकी जरूरत है उनकी डिलीवरी होना है बिफोर टाइम टू और वो डिलीवरी समय से पहले होनी है एंड्रयू एब्रप्टली रिकॉर्ड फॉर द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स एंड्रयू अभी भी परेशान था अपने खुद के मामलों को लेकर झगड़े को लेकर जो गर्लफ्रेंड से हुआ था टोल्ड मॉर्गन टू वेट उसने मॉर्गन से वेट करने को बोला ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग वो अपना बैग लेने के लिए अंदर गया देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर ट्वेल्व ब्लेना टेरिस और फिर साथ साथ वो नंबर ट्वेल्व ब्लेना टेरिस की तरफ चल दिए द नाइट ईयर वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री वो जो रात थी वो काफ़ी ठंडी थी और काफ़ी घना अंधेरा था और काफ़ी रहस्यमयी रात लग रही थी यूजअली सो परसेप्टिव एंड्री नाव फेल डल एंड लिस्लेस ली वो अच्छे एटीट्यूड में रहता था लेकिन एंड्रयू इस समय काफी परेशान और चिंतित था ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजअल उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जो रात को ये जो मॉर्गन बुलाने आया ये रात बिल्कुल अलग होने वाली है कुछ अलग होने वाला है स्टिल लेस डैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लनरी इतना कुछ अलग होने वाला है कि ब्लनरी में ये चीज उसके पूरे फ्यूचर को प्रभावित करेगी द टू मैन वॉकड इन साइलेंस दोनों लोग शांत होकर चलते रहे अंटिल दे रीच्ड द डोर नंबर ट्वेल्व जब तक कि वो बारह नंबर के घर में नहीं पहुंच गए देन जो ड्रू अप शॉर्ट और तब जो मॉर्गन रुका और बोला आई विल नॉट कम इन ही साइड वो बोला मैं अंदर नहीं आऊँगा एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन और चिंता के निशान थे उसकी आवाज़ में वो बोला बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस लेकिन डॉक्टर मुझे पता है आप हमारे लिए अच्छा करोगे मैं यहीं रुकता हूँ इन अंदर की तरफ नैरो स्टेयर एक सक्री सी सीढ़ी थी लेड अप वो उससे ऊपर गया टू अ स्मॉल बेडरूम छोटे से बेडरूम में क्लीन वो साफ़ था बट पुअरली फर्निश्ड लेकिन उसका फर्नीचर बहुत अच्छा नहीं था एंड लिट ओनली बाई एन ऑयल लैम्प और वहाँ पर बस एक छोटा सा ऑयल लैम्प जल रहा था हेयर मिसिज मॉर्गन्स मदर यहाँ पर मिसिस मॉर्गन की माँ थी अटॉल ग्रे हेयर्ड वुमन ऑफ नियरली सेवेंटी एक लंबी सी सफ़ेद बालों वाली लगभग सत्तर साल की वो महिला थी एंड द स्टाउट और काफ़ी मोटी हट्टी कट्टी भी थी एल्डरली मिडवाइफ और वहाँ पर एक नर्स थी वेटेड बिसाइड द पेशेंट जो मरीज के बगल में खड़ी थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी वॉचिंग एंड्रू एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम और ये दोनों महिलाएं एंड्रू के एक्सप्रेशन देख रही थी जब वो कमरे में आया लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बेच सेट द फॉर्मर क्विकली वो जो सत्तर साल की महिला थी बूढ़ी महिला वो बोली मैं आपके लिए डॉक्टर साहब एक कप चाय बना लेती हूँ आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स कुछ ही क्षणों बाद वो बोली एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली एंड्रयू हल्का सा मुस्कुराया ही सॉ दैट द ओल्ड वुमन वाइज इन एक्सपीरियंस उसने देखा कि वो जो बूढ़ी महिला थी जो काफ़ी बुद्धिमान थी अनुभव में रलाइज उसे रियलाइज़ हुआ देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग दैट कि अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा डिलीवरी में शी वॉज़ अफ्रेड ही वुड लीव द केस और उसे डर था उस बूढ़ी महिला को कि वो डॉक्टर केस छोड़ कर चला ना जाए सेंग ही वुड रिटर्न लेटर ये कह के कि वो अभी बाद में लौटेगा अभी टाइम है ऐसा बोल के वो चला ना जाए तो वो बोली मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ डोंट फ्रैट मदर अरे माजी परेशान मत होइए आई विल नॉट रन अवे मैं भागूंगा नहीं मैं डिलीवरी करा कर ही जाऊंगा डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विश ही गेव हिम नीचे किचन में बैठकर उसने वो चाय पी जो उस बूढ़ी महिला ने उसे दी थी ओवरऑल एज ही वॉज चूंकि वो काफ़ी थका हुआ था ही न्यू ही कोडेंट स्नैच इवन एन आवर्स स्लीप कि वो एक घंटे की नींद भी नहीं ले पाएगा इफ़ यू वेंट होम यदि वो घर गया तो ही न्यू टू वो ये भी जानता था दैट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हीज अटेंशन यहाँ पर जो केस है उस केस को उसकी पूरी अटेंशन चाहिए होगी क्योंकि ये समय से पहले डिलीवरी हो रही थी आ क्वेर लिथार्जी ऑफ स्प्रिड केम अपॉन हिम तो काफ़ी उसके अंदर थकावट थी ही डिसाइडेड टू रिमेन टिल एवरी थिंग वॉज ओवर लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो यहीं रुकेगा जब तक ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता डिलीवरी नहीं हो जाती एन आवर लेटर ही वेंट अप स्टेयर सकेन एक घंटे बाद फिर से वो सीढ़ियों से ऊपर गया बेडरूम में नोटेड द प्रोग्रेस मेड उसने नोट किया किस तरह से प्रोग्रेस हो रही थी केम डाउन वंस मोर एक बार फिर से वो नीचे आया सेट बाय द किचन फायर और किचन की जो आग थी उसके सामने बैठ गया इट वॉज स्टिल सब कुछ शांत था काफ़ी रात थी एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेड वो जो मिल्का ग्रेड था वहाँ कुछ खटपट की आवाजें हो रही थी पास में मिल थी वहाँ से आवाज़ें आ रही थी एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक और वो जो दीवार की घड़ी थी उससे टिक टॉक की आवाज़ आ रही थी यही दो आवाजें थी नो no, नो no, नहीं नहीं देर वॉज एन अदर साउंड एक और आवाज़ थी द बीट ऑफ फुट स्टेप्स वो जो जो मॉर्गन था वो बाहर घूम रहा था तो उसके जो कदमों की आवाज़ थी एज पेस्ड इन द स्ट्रीट क्योंकि वो गली में घूम रहा था आउटसाइड बाहर द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम और डॉक्टर के अपोजिट वो महिला बैठी थी बूढ़ी महिला सेट इन हर ब्लैक ड्रेस ब्लैक ड्रेस उसने पहनी हुई थी वो बैठी थी क्वाइट मोशनलैस बिल्कुल स्थिर बैठी थी हरा आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज लेकिन उसकी आंखें काफ़ी चल रही थी प्रॉबिंग नेवर लिविंग हिज फेस और डॉक्टर का चेहरा वो उसकी आँखें देखे जा रही थी लगातार वो डॉक्टर की तरफ देख रही थी हिज थाट्स वर हैबी उसके विचार भारी भरकम हो गए थे मर्डर्ड हो वो काफ़ी परेशान था द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एड कार्डिफ स्टेशन वह एपिसोड जो उसने कार्डिफ स्टेशन पर देखा जो उसका गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था स्टिल ऑप्श हेम मॉर्बिडली वो अभी भी उसको परेशान कर रहा था ही थाट ऑफ ब्रैंडवेल वो एक व्यक्ति ब्रैंडवेल के बारे में सोच रहा था फुलिसली डिवोटेड टू अ वुमन जो मूर्तापूर्ण ढंग से बिल्कुल एक महिला के पीछे पागल था हु डिसीब्ड हिम सॉडिडली जिसने उसे अपने स्वार्थ में धोखा दे दिया था ऑफ एडवर्ड पेज फिर वो एक डॉक्टर एडवर्ड पेज के बारे में सोच रहा था अपने सीनियर डॉक्टर के बारे में बाउंड टू श्रीविश ब्लॉड बैन वो भी परेशान हो गए थे झगड़ालू ब्लड बैंक के चक्कर में ऑफ डैनी जो डैनी के रहने वाली थी लिविंग अनहैप्पी अनहैपीली अब वो डॉक्टर साहब दुखी होकर के रह रहे थे अपार्ट फ्रॉम हर हिज वाइफ अपनी पत्नी से बिल्कुल अलग होकर रह रहे थे हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिज़ वर डिसमल फेलियर्स उसका जो तर्क था वो उसे कह रहा था कि ये सारी जो शादियाँ थीं वो बुरी तरह फेल हो गई थी इट वॉज़ अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रजेंट स्टेट मेड हिम विन्स तो ये कंक्लूजन था जिसने प्रजेंट स्टेट में उसे बहुत ज़्यादा वो झिझक गया था बहुत ज़्यादा वो शादी करे ना करे वो कन्फ्यूज़ हो गया था ही विज्ड टू कंसिडर मैरिज एज एन इडलिक इडलिक इस्टेट वो चाहता था कि जो शादी हो वो एक सुखद अनुभव होना चाहिए वो फेल नहीं होना चाहिए यस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टाइन बिफोर हिम और वनना वो शादी के बारे में नहीं सोच पाएगा और इस सब थॉट्स के बीच में क्रिस्टाइन का इमेज उसके सामने था हर आइज़ उसकी आँखें शाइनिंग टुवार्ड्स हिम उसकी तरफ चमक रही थी एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन और उसे कोई कंक्लूजन नज़र नहीं आ रहा था इट वॉज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में था बहुत ज़्यादा परेशानी में था डाउटिंग माइंड बहुत ज़्यादा डाउट में था एंड हिज ओवर फ्लोइंग हर्ट और उसका दिल काफ़ी भरा हुआ था विच हिम रिसेंटफुल जिसने उसे काफ़ी बेचैन कर रखा था एंड कन्फ्यूज और कन्फ्यूज़ कर रखा था ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट उसने अपनी ठोंडी को अपनी छाती से लगाया स्ट्रेस आउट हिज लेग्स अपने पैर फैलाए स्टियड ब्रूडिंगली इन टू द फायर और वो गौर से उस जलती हुई आग की तरफ देख रहा था ही रिमेंड लाइक दिस सो लॉन्ग वो लंबे समय तक ऐसा बना रहा एंड हिज थाट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टाइन और उसके विचार क्रिस्टाइन को सोच सोच के इतने भरे हुए थे दैट ही स्टार्टेड कि वो बिल्कुल चौंक गया स्टार्ट हो गया वेन द ओल्ड वुमन अपोजिट सडनली एड्रस्ड हेम जब उसके सामने जो बूढ़ी महिला बैठी थी उसने अचानक उसे आवाज दी हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफ्रेंट कोर्स और उसकी आवाज ने उसे एक अलग मोड पर मोड़ दिया सुजैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफार्म इफ इट वुड हार्म द बेबी बूढ़ी औरत बोली कि जो मेरी बेटी है सुजैन वो कह रही थी कि उसे क्लोरोफॉर्म ना दी जाए यदि वो क्लोरोफॉर्म बच्चे को नुकसान पहुंचाए तो शी इज़ ऑफुल सेटअप ऑन दिस चाइल्ड डॉक्टर बेच डॉक्टर साहब वो इस बच्चे को लेकर बहुत ही चिंतित है हर ओल्ड आईज इज़ एट अ सडन थाट अचानक वो विचार आने से उसकी आंखें भी नम हो गई शी एडिड इन अ लो टोन और वो धीमी आवाज में बोली ए वी ऑल आर आई फैंसी मेरा मानना है कि हम सभी चिंतित हैं ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट और उसने अपने आप को खड़ा किया वो खड़ा हुआ चेयर से एफर्ट लगाकर, और बोला इट वॉन्ट डू एनी हार्म ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी ये दवाई द एनेस्थेटिक ये तो बेहोशी की दवाई है कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी ही साइड काइंडली उसने दयालुतापूर्वक बोला दे विल भी ऑल राइट और वो लोग ठीक रहेंगे माँ और बच्चा दोनों ठीक रहेंगे हियर द नर्सेज वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्राम द टॉप लैंडिंग तो फिर नर्स की आवाज़ सुनाई देती है ऊपर का जो बेडरूम है वहाँ से एंड्रू ग्लानस्ड एट द क्लॉक एंड्रू घड़ी में देखता है विच नाओ शोर्ट हाफ पास थ्री जो अब दिखा रही थी कि साढ़े तीन बज गए थे ही रोज एंड वेंटअप टू द बेडरूम वो उठा और बेडरूम में गया ही परसिव दैट ही माइट नाव बिगिन हिज वर्क उसे लगा कि अब वो अपना काम शुरू कर सकता था एन आवर रिलैप्सड एक घंटा निकल गया इट वॉज अ लॉन्ग हार्स स्ट्रगल और ये लंबा और कठोर संघर्ष रहा दैन ऐट द फर्स्ट स्ट्रीकस ऑफ डॉन स्ट्रेट पास द ब्रोकन एजज ऑफ द ब्लाइंड और तब सूरज की किरणों ने उस घने अंधेरे को छाँट दिया द चाइल्ड वॉज बॉर्न और बच्चा पैदा हो गया लेकिन लाइफ लेस बिल्कुल लाइफ लेस था बिल्कुल निर्जीव था जान नहीं थी उसमें एज ही गेजड एट द स्टिल फॉर्म जब उसने बच्चे के बेजान अवस्था को देखा अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू, तो एक भय का कंपन एंड्रू के पूरे शरीर में दौड़ गया आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रामिस्ड आखिरकार वो उसने प्रॉमिस किया था कि सब ठीक रहेगा हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्सन्स चिल्ड सडनली उसका चेहरा जो उसके खुद के तनाव के कारण गर्म सा था अब अचानक से ठंडा हो गया था ही He हेजिटेटेड वो हिचकिचाया टॉन बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प टू रिसेट द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन टू वार्ड्स द मदर हु वॉज़ हर सेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट अब वो समझ नहीं पा रहा था हेजिटेट था कि वो बच्चे में जान डाले उसको बचाने की कोशिश करे या फिर उसकी माँ की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाए जो कि अभी भी बिल्कुल दयनीय स्थिति में पड़ी थी द डेलिमा वॉज़ सो अर्जेंट ही डिडेंट सॉल्व इट कॉन्सियसली तो वो दुविधा इतनी बड़ी थी कि वो होश में उसे ठीक नहीं कर पाया ब्लाइंडली instinctively तो बहुत ही जल्दबाजी में तेजी में ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स उसने बच्चे को नर्स को दिया एंड टर्नड हिज अटेंशन टू सुजैन मॉर्गन और अपना पूरा ध्यान सुजैन मॉर्गन पर लगा दिया हु now ले collapsed ऑलमोस्ट pulseless जो अभी पड़ी हुई थी बिल्कुल बदहवासी में बेहोशी की हालत में पल्स नहीं चल रही थी एंड नॉट येट आउट ऑफ इथर अभी वो बेहोशी से बाहर नहीं आई थी अपॉन हर साइड एक तरफ की ओर वो पड़ी थी हेज हेस्ट वॉज डेस्परेट उसने काफ़ी जल्दबाजी की एंड्रयू ने और फ्रेंड्रिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ उसने एक रेस लगा दी उन, सुजैन की घटती हुई ताकत के खिलाफ ताकि वो उनको बचा पाए it took him only an instant to smash a glass ampule. उसे कांच की सीसी की दवाई उसने जल्दी से तोड़ी and uh, inject the medicine. और फिर वो injection लगा दिया Then he flung down the hypodermic syringe. फिर इसने वो syringe को नीचे फेंका and worked अनस्पियरिंगली टू रीस्टोर द फ्लैसिड वूमन और उस बेहोश महिला को होश में लाने की वो पूरी कोशिश करने लगा आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरस एफर्ट्स और कुछ मिनटों के बाद उसकी काफ़ी कोशिशों के बाद हर हार्ट स्ट्रेंथेंड उसके हृदय में ताकत आई ही सो दैट ही माइट सेफली लीव हर उसने देखा कि अब वो सेफली उसे छोड़ सकता है ही स्वंग राउंड इन हिज शर्ट स्लीवस उसने अपने शर्ट के बाजुओं को जल्दी से मोड़ा हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो और उसके जो बाल हैं वो उसकी गीली जो आँखों की भों होती है उसमें जा रहे थे और वो पूछने लगा वेयर द चाइल्ड बच्चा कहाँ है द मिडवाइफ मेडा फ्राइटिन जेस्टर और फिर वह जो नर्स थी वो काफ़ी डरी हुई थी शी हैड प्लेसड इट बनीथ द बैड उसने बच्चे को बैड के नीचे रख दिया था इनऑफ फ्लैश जल्दबाजी में एंड्री नील्ट डाउन एंड्रू घुटने के बल झुका फिशिंग अमंग्स द सॉडन न्यूज़ पेपर्स बिलो द बैड वो बच्चा गीले न्यूज़ पेपर्स में था नीचे बैड के नीचे He pulled out the child. उसने बच्चे को उठाया अब बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड एक लड़का था और बहुत अच्छी बनावट थी उसके शरीर की The limp, warm body was white and soft as tallow. उसके हाथ पैर उसका गर्म शरीर और उसका सफ़ेद दिख रहा था और कोमल सा था बिल्कुल जैसे एक चर्बी होती है फैट होता है बिल्कुल वैसे ही द कॉर्ड और जो नाड़ी थी हेस्टली स्लैस जो जल्दबाजी में काटी गई थी ले लाइका ब्रोकन स्टैम वो टूटे हुए तने की तरह लटकी हुई थी द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्चर उसकी स्किन बहुत बढ़िया लग रही थी स्मूद एंड टेंडर बिल्कुल स्मूद और कोमल द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक उसका सिर जो है वो झुका हुआ था पतली सी गर्दन पर द लिम्स सीम्ड बोनलेस और जो हाथ पैर थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे हड्डी ही ना हो स्टिल नीलिंग अभी भी घुटने के बल वो बैठा हुआ था डॉक्टर एंड्रयू स्टियड एट द चाइल्ड एंड्रयू ने बच्चे की तरफ देखा विदेगा बहुत ही गंभीरता भरे भाव के साथ द वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग वाइटनेस का सिर्फ एक ही मतलब है एस्फिक्सिया पैलिडा मतलब घुटन हुई है बच्चे को उसके कारण बेहोशी हुई है एंड हिज़ माइंड अननेचुरली टेंस और उसका जो दिमाग था बिल्कुल अननेचुरली बिल्कुल टेंशन में आ गया था रेस्ड बैक टू अ केस और उसका दिमाग पीछे एक केस की तरफ गया ही वंस हैड सीन इन द सेमेरिटन जो उसने सेमेरिटन नाम की जगह पर देखा था वो केस टू द ट्रीटमेंट और वो उस ट्रीटमेंट के बारे में सोचने लगा दैट हैड बीन यूज जो उस केस में यूज हुआ था इंस्टेंटली और तुरंत ही ही वॉज़ ऑन फीट वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ही थ्रू आउट टू द नर्स उसने नर्स को आदेश दिया कि मुझे गर्म पानी दो और ठंडा पानी दो एंड बेसेंस टू और मेरे को बड़े बर्तन भी दो क्विक क्विक जल्दी करो जल्दी करो बट डॉक्टर शी फैल्टर्ड वो कांपते हुए बोली लेकिन डॉक्टर हराइज ऑन द पैलीड बॉडी ऑफ द चाइल्ड उसकी जो आंखें हैं वो उस पीले पड़े बच्चे पर थी बोलने लगी लेकिन डॉक्टर quick, जल्दी करो ही shouted. वो चिल्लाया जल्दी करो स्नैचिंग अ ब्लैंकेट एक कंबल खींचते हुए ही लेड द चाइल्ड अपॉन एट उसने बच्चे को इस पर लिटाया बिगेन द स्पेशल मैथड ऑफ रेस्पिरेशन और स्पेशल मैथड से कृत्रिम सांसें देने लगा द बेसन अराइव्ड इसी बीच बड़े बर्तन आ गए द ईवर जग आ गया द बिग आयरन कैटल और बड़ा लोहे का केतली भी आ गया फ्रेंटिकली ही स्प्लेस्ड कोल्ड वाटर इन टू वन बेसन और जल्दबाजी में उसने ठंडा पानी डाला एक बड़े, बड़े बर्तन में इन् टू ददर और दूसरे बर्तन में ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कोल्ड बियर उसने उतना गर्म पानी मिलाया जितना कि वो उसके हाथ सहन कर सकते थे देन लाइक सम क्रेजी जगलर और फिर किसी पागल मदारी की तरह ही हरीड द चाइल्ड बिटबीन द टू उसने जल्दी जल्दी बच्चे को उन दोनों बर्तनों में डाला नाव प्लंगिंग इन एट इन टू द आई सी नाव इंटू द स्टीमिंग बाथ कभी वो इसे ठंडे पानी में डाल रहा था बच्चे को और कभी गर्म पानी में फिर ठंडे पानी में फिर गर्म पानी में फिर ठंडे पानी में फिर फिर गर्म पानी में फिफ्टीन मिनट्स पास पंद्रह मिनट गुजर गए स्वेट वॉज नाव रनिंग इन टू एंड्रूज आइज़ अब पसीना जो है वो एंड्रू की आँखों तक आ गया था ब्लाइंडिंग है और उसे बिल्कुल उसकी रोशनी को मतलब आंखों की रोशनी को धुंधला कर रहा था वो पसीना वन ऑफ हिज स्लीप्स हंग डाउन ड्रिपिंग और एक जो उसकी बाजू था शर्ट का वो भी नीचे लटक गया था हिज ब्रीथ केम पेंटिंग पेंटिंगली और उसकी जो सांसें हैं वो बिल्कुल मतलब ऐसी हो गई थी वो हाँपने लगा था बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड लेकिन बच्चे बच्चे का जो शरीर था बेजान शरीर उससे कोई सांस नहीं आई और डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेसराइज ऑन हिम एक बहुत ही निराशा का भाव डॉक्टर को प्रेसराइज कर रहा था और रैगिंग होपलेसनेस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो निराश था ही फेल्ट द मिडवाइफ़ वॉचिंग हिम इन अ स्टार्क कॉन्स्टर्नेशन वो जो नर्स थी वो उसे देख रही थी बहुत ज़्यादा उसे शिकायत करते हुए वाइल्ड देयर जबकि वहाँ पर वो जो बूढ़ी महिला थी प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वो दीवार से सटी जा रही थी वियर शी हैड ऑल द टाइम रिमेन जहाँ वो पूरे टाइम से बैठी थी हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रॉट उसके उसके हाथ उसका गले पर था अटरिंग नो साउंड वो कुछ कह नहीं रही थी हर आइज़ बर्निंग अपॉन हिम लेकिन उसकी आँखों में उसके लिए गुस्सा था डॉक्टर के लिए वो इज़ द ओल्ड वुमन वो जो बूढ़ी महिला थी और वो जो नर्स थी वो दोनों ही ऐसा लगता था कि जैसे बहुत गुस्सा हों ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर आ ग्रांड चाइल्ड वो याद कर रहा था उसकी इच्छा को ग्रांड चाइल्ड की इच्छा को एज ग्रेट एज हेड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड वो उतनी ही बड़ी थी उसकी इच्छा भी जितनी बड़ी इच्छा उसकी बेटी की थी अपने बच्चे को लेकर ऑल डेस्ड अवैध नाव अब सब खत्म हो चुका था फ्यूटाइल सब बर्बाद हो चुका था बियॉन्ड रेमेडी और बिल्कुल ठीक भी नहीं हो सकता था द फ्लोर वॉज नाव आ ड्रैगल मैस अब वो जो फर्श था वो बिल्कुल गंदा हो गया था कमरे का स्टम्बलिंग ओवर आ शॉपिंग टावल एंड्र्यू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड बच्चे को उछालते हुए टावल में एंड्रयू ने लगभग बच्चे को गिरा ही दिया था विच वॉज नाव वेट एंड स्लिपरी अब बच्चा काफ़ी गीला सा और स्लिपरी हो गया था स्लिप हो रहा था इनज हैंड्स उसके हाथों में लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश बिल्कुल एक विचित्र सफ़ेद मछली की तरह फॉर मर्सीज सेक डॉक्टर वम्पर्ड द मिडवाइफ इट्स स्टिल बॉर्न भगवान के लिए डॉक्टर उसे छोड़ दो अभी वो बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हुआ है स्टिल बॉर्न है एंड्रयू डिडंट हीड हर एंड्रयू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया बीटन डिसपेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर वो बहुत ज़्यादा हरा हुआ सा था निराश था और पिछले आधे घंटे से वो व्यर्थ की कोशिश कर रहा था ही स्टिल परसिस्टिड इन वन लास्ट एफर्ट लेकिन वो अभी भी एक आखिरी कोशिश में लगा हुआ था रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ़ टावल और बच्चे को रगड़ रहा था एक रफ टावल से क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट वो उसकी छोटी सी छाती को बार बार दबा रहा था बार बार छोड़ रहा था दबा रहा था छोड़ रहा था विद बोध हिज हैंड्स अपने दोनों हाथों से ट्राइंग टू गैट ब्रीद इन टू दैट लिम्प बॉडी वो कोशिश कर रहा था कि उस बेजान शरीर में सांस लौट आए एंड देन एज बायरिकल और तब ऐसा लगा जैसे चमत्कार हुआ हो द पिगमी चेस्ट वो जो बच्चे की छोटी सी छाती थी विच हिज हैंड्स एंड क्लोज जिसे डॉक्टर के हाथ थामे हुए थे गिव अ शॉर्ट कन्विल्सिव हीव उसने थोड़ी सी एठन दी एनेदर एंड एनेदर एक और फिर एक और एंड्र्यू टर्न गिडी एंड्र्यू को तो एकदम चक्कर आ गए द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल दैट अन अवेलिंग स्ट्राइविंग लाइफ का एक सेंस उस उसकी उंगलियों के नीचे उसने महसूस किया था इतने लम्बे कड़े संघर्ष के बाद वॉच सो एक्साइड इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट वो इतना खुश हुआ कि वो लगभग बेहोश सा हो गया ही रिडबल्ड हिज एफर्ट्स फीवरसली उसने बहुत तेजी से अपने प्रयासों को और तेज कर दिया द चाइल्ड वॉच गैसपिंग नाव अब बच्चा हाँफ रहा था डीपर एंड डीपर और ज़्यादा और ज़्यादा हाँपने लगा अब बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रेल और उसकी नाक का जो एक छेद था उसमें एक बबल भी बन गया नोजी का बबल बन गया आ जॉयफुल एरिडिस बबल एक खुशी का बबल था वो द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस अब वो जो उसके हाथ पैर थे बच्चे के अब वो बोनलेस नहीं लग रहे थे दैड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइन लेसली और अब उसका सिर ऐसा नहीं था कि बिना हड्डी का था लटका हुआ नहीं था अब द बलेंच स्किन वॉच स्लोली टर्न टर्निंग पिंक और अब वो जो पीली पड़ी स्किन थी वो भी पिंक हो रही थी दैन एक्स्यूसाइटली केम द चाइल्ड्स क्राई और तभी अचानक से बच्चा रोने लगा डियर फादर इन हैवेन द नर्स सॉफ्ड हिस्टरिकली इट्स कम इट्स कम अ लाइव हो परम प्रता हे ईश्वर परमात्मा नर्स बोली सिसकते हुए बोली वो लौट आया वो जीवित हो गया बच्चा जीवित हो गया एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड एंड्रू ने वो बच्चा नर्स को दे दिया ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड वो काफ़ी कमज़ोर और उंगा हुआ महसूस कर रहा था नींद आ रही थी उसको अबाउट हिम द रूम ले इन सर्डरिंग लिटर और उसके चारों तरफ कमरा बहुत गंदा बिखरा हुआ हो गया था ब्लैंकेट्स पड़े हुए थे टॉवल्स पड़े हुए थे बेशंस बर्तन बड़े बर्तन पड़े हुए थे सोयल्ड इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए थे बिखरे हुए द हाइपोडर्मिक सरिंज एम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोलियम और उस वो जो सरिंज थी टूटी हुई सरिंज पड़ी हुई थी द एवर और जग पड़ा हुआ था नॉकडोवर वो भी पड़ा हुआ था द कैटल ऑन इट्स साइड कैटल भी पड़ी हुई थी पडल ऑफ वाटर और चारों तरफ पानी बिखरा था अपॉन द हडल्ड बेड, द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक लेकिन अभी भी झूले जैसे बिस्तर पर माँ जैसे कोई कोई सपना देख रही थी और वो अभी भी बेहोशी में थी द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल वो बूढ़ी महिला अभी भी दीवार से सटी हुई खड़ी थी बट हर हैंड्स वर टुगेदर लेकिन अब वो परेशान नहीं थी अब उसके हाथ जुड़े हुए थे प्रार्थना में जुड़े हुए थे हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड उसके होंठ कुछ कह रहे थे प्रेइंग वो प्रार्थना कर रही थी मैकेनिकली एंड्रू रंग आउट ज स्लीव और जल्दी से एंड्रू ने अपनी शर्ट की आ, स्लीव को ऊपर किया पोल्ड ऑन हिज जैकेट और फिर अपना जैकेट पहना आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स नर्स मैं अपना बैग बाद में ले जाऊँगा ही वेंट डाउन स्टेयर्स वो सीढ़ियों से नीचे गया थ्रू द किचेन किचन से होकर के इन टू द इस्क्लरी वो बर्तन धोने वाली जगह पर आया हिज लिप्स वर ड्राई उसके होंठ सूखे थे एट द एस्कलरी तो उस बर्तन धोने वाली जगह पर उस बरामदे में ही टू का लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर उसने पानी पिया ही रीज्ड फॉर हिज हैट एंड कोट और फिर उसने अपना हैट और कोट उठाया आउटसाइड ही फाउंड जो बाहर उसने जो को देखा स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट जो फुटपाथ पर खड़ा हुआ था विद अ टेंस और वो परेशान था जो बेचारा एक्सपेक्टेंट फेस और बड़ी उम्मीद थी उसके चेहरे पर वो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था ऑल राइट right, जो ही साइड थिकली बोथ ऑल राइट जो सब ठीक है दोनों लोग ठीक हैं माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं इट वॉज़ क्वाइट लाइट नियरली फाइव ओ क्लॉक अब काफ़ी रोशनी हो गई थी लगभग पाँच बज चुके थे अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द्रीट्स कुछ खान के जो माइनर थे मज़दूर थे वो गलियों में दिखाई देने लगे थे द फस्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट जो नाइट शिफ्ट थी अभी वो छूट गई थी एज़ एंड्रू वॉकड विद डैम एंड्रू भी उनके साथ चल रहा था इस्पेंट एंड स्लो वो भी थका हुआ था उनकी तरह और धीमे धीमे जा रहा था हिज फुटफॉल्स इकोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई और उसके कदम भी दूसरे मजदूरों के कदम के साथ ले मिला रहे थे वो सुबह के आसमान के नीचे He kept thinking blindly. वो बस सोच रहा था, ob oblivious to all other work he had done in blenery. वो सारी बड़े काम के बारे में सोच रहा था जो उसने blenery में कर दिखाया था. I have done something. Oh God, I have done something real at last. हे hey ईश्वर मैंने कुछ कर दिया है वास्तव में कुछ कर दिखाया है